नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि आप लोगों का कल के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा एक ट्वीट किया गया था। इसी के संबंध में कुछ डेटा भी आप लोगों को दिया गया है कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी में NTPC की 22,576 पद एवं ग्रुप डी की 42,294 पद। ओके, और रेलवे के इस ट्वीट को संभाल कर रखिएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, जो भी जानकारी होगा आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कल के ट्वीट पे फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। तो कल के ट्वीट को मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं आप लोगों के लिए। यहां पे देख सकते हैं आप, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा ट्वीट किया गया। इनका ऑफिशियल हैंडल है @railMNIndia और ये इनके वेरीफाइड अकाउंट से किया गया है। इंडियन रेलवे इज़ नॉट गोइंग टू सरेंडर एनी सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट रिक्वायर्ड फॉर ट्रेन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो ये आप लोगों को भी पहले से जानकारी थी और ये रेलवे कन्फर्म भी कर रहा है कि इंडियन रेलवे से जो है सो कि आप लोगों का कोई भी सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट को सरेंडर करने नहीं जा रहा है जो कि ट्रेन्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होती है। आगे ये बोलते हैं, रिव्यू इज बीन डन ओनली फॉर नॉन सेफ्टी कैटेगरी वैकेंट पोस्ट। ओके, यहां पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाले बात है। रिव्यू इज डन ओनली फॉर नॉन सेफ्टी कैटेगरी वैकेंट पोस्ट, जो भी खाली पोस्ट है, सो दैट एडिशनल सेफ्टी पोस्ट कैन बी क्रिएटेड फॉर न्यू रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बीन डेवलप्ड एट फास्ट स्पीड। ओके, तो यहाँ पे जो बात बोला गया है कि फ्रेंड आप लोगों का नॉन सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट को सरेंडर किया जाएगा, उसके बदले में एडिशनल सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट को क्रिएट किया जाएगा। तो रेलवे के इस ट्वीट में और ये जो ऑफिशियल लेटर था फ्रेंड, जो कि इंटरनल लेटर था रेलवे का, इसमें थोड़ा सा विरोधाभास दिखता है फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब ऐसी बात थी, जब इसमें कहा जा रहा है कि एडिशनल आप लोगों का सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट को क्रिएट किया जाएगा, जबकि इसमें ऐसी कोई बात मेंशन नहीं है। और आपको पता, ये एक डॉक्यूमेंट है और वो एक ट्वीट है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं ये दोनों बातें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। जबकि इसमें सारी बातें मेंशन थी, इस बात को भी मेंशन किया जा सकता था कि आप लोगों का जो है कि सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट को इंक्रीज किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो कहा गया फ्रेंड, आगे देखिए, ऑल ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट कैटेगरी फॉर पोस्ट विल बी कंटिन्यू एज वॉज वन। मतलब रेलवे का कहना है कि जो भी ऑल गोइंग रिक्रूटमेंट चल रहा है, वो आप लोगों का जो है कि डिफरेंट कैटेगरी को लेकर के वो सारा कुछ चलते रहेगा कंटिन्यू एज यूजुअल। जबकि आप लोगों का ये जो है डॉक्यूमेंट, इसमें देखिए साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोगों का, देखिए, रिव्यू ऑफ पोस्ट क्रिएटेड इन लास्ट 2 ईयर एंड इफ रिक्रूटमेंट हैज़ नॉट बीन डन अगेंस्ट दिस पोस्ट रिव्यू द सेम फॉर सरेंडरिंग। ओके, तो जबकि यहाँ पे जो है सो कि फ्रेंड, इसमें दोनों में कॉन्ट्राडिक्टी दिख रहा है, विरोधाभास दिख रहा है। और आपको ही पता है कि बहुत बार आपने देखा होगा कि हमारे जैसे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने बहुत बार मीडिया के सामने आकर के अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। तो उसके बावजूद भी प्राइवेटाइजेशन किस स्तर से आगे बढ़ रहा आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद RRB गोरखपुर के केस में भी देखने को मिला था, जहाँ ने कि RRB ने वैकेंसी निकाल दी और बाद में उन्होंने कहा कि ये वैकेंसी गलती से टाइप हो गई थी। इसलिए मैं बोल रहा था ट्वीट को संभाल के रखना। और यदि अगर ये कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी और बहुत बड़ी जीत होगी हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो हम भी ये चाहते हैं कि ये मतलब जो भी ग्रुप डी और NTPC की पोस्टें हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों को अलर्ट भी रहना होगा, क्योंकि रेलवे का जो इतिहास रहा है उसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से वो काम करते हैं। और यदि अगर आप लोग हर एक मौके पर अलर्ट नहीं रहते हैं, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सेफ्टी कैटेगरी और एक नॉन सेफ्टी कैटेगरी, कि ये NTPC और ग्रुप डी में जो भी पोस्टें हैं उसमें सेफ्टी कैटेगरी की कौन कौन सी पोस्टें हैं और नॉन सेफ्टी कैटेगरी की कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो ये मेरे पास जो आप लोगों का NTPC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था फ्रेंड, वहाँ से मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया है। और ये आप लोग का NTPC का जो 12th के बेसिस पे था, तो NTPC में 12th के बेसिस पे जो भी वैकेंसी थी, वो सारा का सारा नॉन सेफ्टी कैटेगरी का है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेंस क्लर्क, जूनियर टाइमकीपर। तो ये जो है कि 10,628 पोस्ट था 12th के बेसिस पे, ये सारा का सारा नॉन सेफ्टी कैटेगरी का है। उसके बाद हम लोग ग्रेजुएट लेवल पे वैकेंसी की बात करें, तो इसमें आप लोगों का इतने तरह का वैकेंसी था। स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर में 6,865, गुड्स गार्ड में आप लोगों का 5,748। तो स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ये जो है सो कि आप लोगों का सेफ्टी कैटेगरी में काउंट होता है। जबकि सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 5,638 नॉन सेफ्टी, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, कमर्शियल अप्रेंटिसशिप, ट्रैफिक असिस्टेंट, ये सारा का सारा जो है कि आप लोगों का नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आता है। तो NTPC के फाइनल एनालिसिस की बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों का टोटल जो पोस्ट है वो 35,277 है, जिसमें आप लोगों का सेफ्टी कैटेगरी में आप लोगों का 12,701 पद है और नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आप लोगों का 22,576 पद है। ओके,
उसी तरह से हम लोग ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पे देखिए ग्रुप डी का जो आप लोगों का 17 तरह का पोस्ट था, मैंने यहाँ पे 17 तरह के पोस्ट का नाम लिख करके रखा है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम करता हूँ, तीन पोस्टों में जो भी आप लोगों का सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है। और यहाँ पे आपको मन में एक ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने मतलब ये सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट हमारे चैनल पर जो रेलवे एम्प्लॉई हैं चेतन जी उनके द्वारा ये वेरीफाई किया हो, मतलब उन्होंने खुद बताया है कि ये एक पोस्ट जो सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेफ्टी कैटेगरी में इसमें आप लोग असिस्टेंट ब्रिज है, असिस्टेंट CNW है, असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल है, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, उसके बाद आप लोगों का है असिस्टेंट TRD है, और लास्ट में आप लोगों का ट्रैक मेंटेनर Grade 4 है। इसी तरह से ये सबका पोस्ट मैंने लिख करके रखा है यहाँ पे आप लोगों के लिए। और इसमें काफ़ी टाइम लगा है फ्रेंड, क्योंकि ये मतलब दिया हुआ नहीं था ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, इसको मैंने एक एक करके सारे RRB 16 जो RRB है वहाँ से मैंने इकट्ठा किया। आप देख सकते हैं सीरियल वाइज मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप लोगों का पोस्ट का नाम है असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट लोको साइड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, उसके बाद आप लोग असिस्टेंट ट्रैक मशीन, यहाँ पे असिस्टेंट TRD है। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे 16 RRB वाइज लिखा, उसके बाद मैंने सबको इसको यहाँ पे जोड़ा है, तभी आप लोगों का जो ऑफिशियल डेटा आया है, तभी आप लोग ऑफिशियल डेटा यहाँ पे आया, उसको मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों का टोटल सारे पोस्टों को ऐड कर दे तो देखिए आप लोगों का यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग असिस्टेंट ब्रिज 913, असिस्टेंट CNW 7284, असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल 1098, असिस्टेंट सिग्नल 5288, असिस्टेंट ट्रैक मशीन 3157, उसके बाद आते हैं हम लोग असिस्टेंट TRD में हम लोगों का 3014, और ट्रैक मेंटेनर 4 में 40721। ओके, यहाँ ग्रुप डी की अगर हम लोग बात करें तो टोटल पोस्ट है 1,03,769, सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है आप लोगों का 61,475, नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 42,294। और जो आप लोगों का वो डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा था फ्रेंड्स, उसमें साफ साफ कहा गया था कि 50% पोस्ट को जो है सो कि देखिए इसके पॉइंट नंबर इसमें साफ साफ मेंशन सी में सरेंडरिंग 50% ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसी इन अदर देन सेफ्टी कैटेगरी। तो यदि अगर हम लोग बात करें नॉन सेफ्टी कैटेगरी का तो आप लोगों का टोटल जो हो जाता है वो हो जाता है आप लोगों का नॉन सेफ्टी कैटेगरी में 64,000, 50% की बात करें तो 32,000 वैकेंसी, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है फ्रेंड। हालांकि जो रेलवे का नया टूट है उसके अकॉर्डिंग कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और बिल्कुल अगर नहीं फर्क पड़ता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को इस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना होगा, जो कि रेलवे का इंटरनल, और ये बात तो कन्फर्म हो गई है, ये इंटरनल लेटर्स हालांकि पब्लिक डोमेन में नहीं था ये, लेकिन इंटरनल लेटर फेक नहीं है। यदि ये लेटर फेक रहता तो आप लोगों का अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो ट्वीट आया था उसमें साफ साफ बोल दिया जाता कि जो भी सोशल मीडिया पे जो लेटर वायरल हो रहा है ये एक फेक नोटिस है, तो फेक तो ये नहीं है, कंफर्म हो गया है। अब आते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम डेट की बात हो या NTPC एग्जाम डेट की बात हो, हमेशा से उमंग स्टडी आप लोगों के साथ रहा है। तो आप लोग का एग्जामिनेशन डेट को प्रोटेस्ट में एग्जामपुर का इनिशिएटिव था, उसमें उमंग स्टडी का भरपूर समर्थन था। अब फिर से एक एग्जामपुर ने इनिशिएटिव लिया फ्रेंड, हालांकि हम लोग भी टाइम टाइम पे आप लोगों को हैशटैग बोलते रहते हैं, घर बैठ के ट्वीट करते रहिए, लेकिन जो एग्जामपुर ने हैशटैग स्टार्ट किया हम लोग उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। हैशटैग स्टॉप रेलवे प्राइवेटाइजेशन, हैशटैग ग्रुप डी एग्जाम मैटर्स, हैशटैग NTPC एग्जाम मैटर्स, हैशटैग रेल मंत्री जवाब दो, हैशटैग स्टॉप रेलवे प्राइवेटाइजेशन। तो आप लोगों ने ट्वीट करके रेल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का यहाँ तक जवाब लाया फ्रेंड, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जो भी बातें उस डॉक्यूमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं आप लोग उसको कंटिन्यू लगातार ट्वीट करते रहें। ओके, उसके बाद जो भी बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, जो भी सवाल उठ रही हैं, उन सवालों का जवाब भी रेलवे को देना होगा, क्योंकि हम लोगों को फ्रेंड यहाँ पे दो तरीके से सोच के देखना होगा। यदि अगर सब कुछ सही चलता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को वर्स्ट केस के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन भी कायदे से अभी तक देखा जाए तो हो जाना चाहिए था, और NTPC का एग्जामिनेशन भी जो हो जाना चाहिए था। ठीक है, मानते हैं कोरोना है, तो कोरोना से पहले ही मतलब एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट था, लेकिन उससे पहले नहीं हो पाया। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को लग रहा होगा उमंग स्टडी पे इतना देरी क्यों हुआ वीडियो आने में, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज और कॉल आ रहा था कि सर आपने अभी तक वीडियो नहीं डाला। इस डेटा को इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा फ्रेंड, मैंने रात भर इसके ऊपर काम किया है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग के लिए इतना करना बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।